प्रतापगढ़ में एसपी ने खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, पुलिस चलाएगी ऑपरेशन नशा मुक्त। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनावी रंजिश को लेकर शहर के बीचों बीच मारपीट और बवाल, पूर्व विधायक धीरज ओझा और भाई पर फायरिंग और हमला, पूर्व विधायक के भाई चोटिल हुए। लखनऊ के इटौंजा में आतिशबाजी की दुकानों पर छापेमारी, जीएसटी और टैक्स चोरी कर लाखों की कर रहे हेराफेरी, अधिकारियों को परमिशन पत्र नहीं दिखा सके दुकानदार। हमीरपुर में पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने रिश्तेदार युवक को मारी गोली, मौके से हुआ फरार, इलाके में हड़कंप। पीलीभीत में त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट, छापेमारी के दौरान एक दुकान से 6 क्विंटल 80 किलो नकली सरसों का तेल बरामद, सक्रिय होटल और दुकानों पर जनता को बेचा जा रहा जहर। अलीगढ़ में युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर लगाई आग, पिता के साथ किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। फिरोजाबाद में युवक की बुखार आने पर इलाज के दौरान मौत, प्राइवेट डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। कुशीनगर में गंगा जमनी तहजीब की दिशी झलक, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लक्ष्मी प्रतिमाओं पर चढ़ाए फूल, लोगों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। लखनऊ में मोहनलालगंज में स्मैक तस्कर गिरफ्तार, 11 ग्राम स्मैक बरामद। औरैया में पुलिस ने खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए, मोबाइल फोन के मालिकों को वापस किए गए फोन। अमेठी में कलयुगी बेटे ने ईंट से पीट पीट कर की पिता की हत्या, घर में कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। ललितपुर में ग्राम प्रधान पर इंजीनियर और उसके साथी के साथ मारपीट का आरोप, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने एसपी से की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले मौत का अड्डा बने योगी सरकार के थाने, पुलिस बनी मौत की सौदागर। लखनऊ में मोहित पांडे के घर पहुंचा सपा का डेलीगेशन, सपा की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन। लखनऊ में आईआरसीटीसी ने पर्यटन व्यवसाय में पूरे किए 25 साल, जीजीएम मनोज शर्मा ने कर्मचारियों को दिलाई सतर्कता एवं जागरूकता की शपथ। मोहित पांडे के मामले में सरकार की ओर से दिए गए मुआवजे पर अखिलेश यादव का बयान, बोले काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, बोले पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय। बाराबंकी में मकान में घुसकर चोरों ने उड़ाया माल, नकदी और कीमती जेवरात पर हादसा। अलीगढ़ में तमंचे की नोक पर लूटपाट का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े 4 लुटेरे, लूटे गए रुपए, 2 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, बाइक बरामद।